hello everyone i am dipika gupta and you are watching law putra today we are going to discuss section 358 of ipc first of all we'll read the section and then we'll understand what the section says assault or criminal force on grave provocation now they have used the term assault what does this term means असोल्ट क्या होता है कि इफ़ सपोज़ मैंने अपने हाथ में कोई भी चीज़ पकड़ी हुई है वो स्टोन हो सकता है रॉड है स्टिक है कुछ भी है ठीक है और उस चीज़ को लेकर मैं दूसरे पर्सन को डरा रही हूँ इतना डिस्टेंस है कि मैं उस पर्सन को मार भी सकती हूँ ठीक है और मैं उसको बस डरा रही हूँ और जो दूसरा पर्सन है वो डर भी रहा है इसको हम बोलते हैं असोल्ट नेक्स्ट है क्रिमिनल फोर्स क्रिमिनल फोर्स क्या होता है कि इफ़ सपोज़ मैं किसी पर्सन के अगेंस्ट फोर्स यूज़ कर रही हूँ और उसको बोल रही हूँ कंपेल कर रही हूँ कोई एक्ट करने के लिए ऑल दो उस पर्सन का कंसेंट नहीं है उस एक्ट को करने का पर मैं उसको फोर्स कर रही हूँ उसको करने के लिए ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन ग्रेव मीन्स सीरियस एंड प्रोवोकेशन मीन्स कि किसी पर्सन को इतना बोल देना इतना सुना देना कि वो पर्सन इरीटेट हो जाए और प्रोवोक हो जाए और कोई ऐसा एक्ट करे जो उसको नहीं करना चाहिए था हुए असोल्ट और यूज क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन गिवन बाय दैट पर्सन ठीक है कि दो पर्सनस हैं ए एंड पी ठीक है ए क्या कर रहा है कि बी को बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है ठीक है उसको कुछ वोलगर लैंग्वेज बोल रहा है कुछ बैड वर्ड्स बोल रहा है उसकी फ़ैमिली से रिलेटेड कुछ बातें बोल रहा है इस वजह से क्या हुआ कि बी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो गया और बी ने क्या किया कि बी ने एक ए के अगेंस्ट असोल्ट किया या फिर क्रिमिनल फोर्स जो था वो उसको यूज़ किया तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा कि शाल बी पनिश्ड with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 200 rupees or with both ki if suppose koi person aisa karega ki kisi person ke against assault या criminal force use करेगा तो उस person को क्या किया जाएगा उस person को वन month की imprisonment हो सकती है टू हंड्रेड रुपीज़ का फाइन हो सकता है या फिर दोनों चीज़ें इसमें हो सकती हैं ठीक है ठीके? तो ये सब चीज़ें जो है ये सेक्शन ने बताई है नाउ विल अंडरस्टैंड दिस सेक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल लाइक इफ सपोज कि दो पर्सनस हैं ठीक है ए एंड बी वहाँ पे एक पार्किंग लॉट है और ए ने अपनी कार ऑलरेडी पार्क की हुई है बी आर आए और बी ने भी अपनी कार जो है वो वहाँ पर पार्क करनी है पार्क करने के चक्कर में एक बी क्या करता है कि ए की कार से हल्का सा हिट कर जाता है ऑल दो बहुत ज़्यादा हिट नहीं किया है हल्का सा सिर्फ टच हुआ है और ए आ जाता है और ये उसको से बोलना शुरू हो जाता है कि तूने क्या किया तूने मेरी गाड़ी ख़राब कर दी है तुझे अक्ल नहीं है तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है तो मतलब इस तरीके की बातें उसको बोल रहा है या फिर उसकी फ़ैमिली के अगेंस्ट बोल रहा है ठीक है कुछ भी कि उसकी मदर के बारे में या उसके सिस्टर के बारे में कुछ बातें बोल रहा है और जो बी है वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो गया है जब ए ने उसको इतना कुछ बोला तो बी बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो गया और बी ने क्या किया कि साइड पर स्टोन पड़ा हुआ था उसको उठाया और उसको उससे डराने लगा उसको सॉल्ट करने लगा कि भाई तूने मुझे इतना क्यों बोला ठीक है या फिर क्या करता है कि उसकी से कॉलर पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि मुझसे माफ़ी मांग कि तूने मुझे ऐसा क्यों बोला ठीक है अगर कोई वो पर्सन ऐसा करता है तो उस पर्सन को वन मंथ की एम्प्रेजमेंट हो सकती है या फिर टू हंड्रेड रुपीज का फाइन हो सकता है या फिर दोनों चीजें इसमें हो सकती हैं तो एक चीज इसमें याद रखनी है कि जो ए और बी दो लोग मिले थे वहां पे, वो दोनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं बिल्कुल अननोन है ठीक है ना तो कोई फ्रेंड टर्म्स है उनकी ना कोई एनिमी टर्म्स में मीन्स अन है वो दोनों पर्सन एंड एक और चीज़ इफ़ सपोज इस पूरी लड़ाई में अगर एक पुलिस ऑफिसर जो है वो आता है ठीक है और वो बी को बोलता है कि भाई आगे इतनी कम जगह थी तूने वहाँ पे गाड़ी क्यों फंसाई अपनी तुझे खुद नहीं पता चल रहा है तुझे जेल हो जाएगी इस चक्कर में इस तरह की बातें बोलता है ठीक है तो बी कोर्ट में ये प्ली नहीं ले सकता है कि मैं पुलिस फली की बातों से प्रवोक हो क्या ठीक है क्योंकि जो पुलिस वाला पर्सन है जो पुलिस ऑफिसर है वो जो भी एक्ट कर रहा है वो अपनी लीगल ड्यूटी से कर रहा है वो बाउंड है ठीक है अब अपनी लीगल ड्यूटी में वो एक्ट कर रहा है तो इसीलिए वो बी ये नहीं बोल सकता कि मैं पुलिस वाले की बातों से प्रोवोक हो गया एक और चीज़ कि इफ़ सपोज़ कोई पर्सन है और वो पर्सन सेल्फ डिफेंस में कुछ टर्म्स बोल रहा है किसी पर्सन को ठीक है जो उसको मार रहा है या फिर उसको पकड़ रहा है ठीक है अपने आप को बचाने के लिए उसको बोल रहा है तो वो पर्सन प्रोवोक नहीं हो सकता उसको हम प्रोवोकेशन का नाम नहीं देंगे ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस सेक्शन दैट इज सेक्शन थ्री फिफ्टी एट कि सेक्शन थ्री फिफ्टी एट ने सिर्फ जनरली कहा है कि अगर कोई पर्सन असॉल्ट करता है या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज करता है किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जिसने उसको प्रोवोक किया है तो उस पर्सन को वन मंथ की इंप्रिजमेंट हो सकती है या फिर टू हंड्रेड रुपीज का फाइन हो सकता है या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं थैंक यू सो मच